दोस्तों मार्केट में ऐसी खबर आ रही है कि टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की जो प्राइसिंग है 10% से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है नए साल में 2021 में, और ये एक इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत ही बुरी बात है और यहाँ पे एक इंडियन कस्टमर का बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करिए, क्या रीज़न है कि भाई अपने जो अप्लाइंसेस है इसकी प्राइसिंग बढ़ रही है और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, और लेकिन उसके पहले उस हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात होगी क्या रीज़न है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी मेजर अप्लाइंसेस होते हैं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की प्राइसिंग क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पे कुछ खास रीज़न है। रीज़न नंबर वन कि यहाँ पे जो कॉपर और एल्यूमिनियम की जो प्राइसिंग है वो बढ़ गई है, इसके वजह से वो प्राइस अपना बढ़ा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो इम्पोर्ट फ्रेट चार्जेस थे, मतलब एयर फ्रेट चार्जेस, जो एक्चुअली जो भाड़ा लगता था, फ्रेट का हिंदी में अगर मतलब निकालेंगे तो उसका जो भाड़ा लगता था वो बढ़ गया है, इसके वजह से यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइसिंग बढ़ गई है और बढ़ने का चांसेस है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन कंट्री थी चाइना, जहाँ से माल आता था सब ये सब अप्लायंसेस के लिए, वो लोग भी चार्जेस बढ़ा दिए। तो ये कुछ रीज़न है जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये रीज़न की वजह से प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अक्टूबर महीने में हमें याद होगा कि इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी थी, तो यहाँ पे ये सारे रीज़न थे, ये रीज़न की वजह से प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या सारे ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की प्राइसिंग बढ़ने वाली है? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात ये चीज़ समझ लीजिए कि हर ब्रांड ने अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हमारी टीवी की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं जो सामने आके कह रहे हैं कि हमारी टीवी की प्राइसिंग बढ़ेगी। उसमें LG नंबर वन पे है, जिसने अनाउंस किया है कि हमारी जो टीवी की प्राइसिंग है 7 से 10% तक बढ़ सकती है। दूसरा ब्रांड पैनासोनिक है, उसके बाद थॉमसन, कोडैक, और उसके बाद एक और प्रीमियम ब्रांड सोनी। वो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि वो प्राइसिंग बढ़ाई गई, लेकिन उसने कहा है कि जैसा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, LG बाकी लोग ने डिसीजन लिया, हमारा भी डिसीजन हो सकता है 1st quarter of 2021 तक। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिनकी प्राइसिंग की, अप्लायंसेस की जो प्राइसिंग है वो बढ़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे सारे ब्रांड्स का प्राइसिंग नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों हम लोग ने समझ लिया कि क्या रीजन है कि भाई प्राइसिंग बढ़ने वाली है और कौन कौन से ब्रांड की प्राइसिंग बढ़ सकती है 2021 में। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि सर सिर्फ यही इलेक्ट्रो मतलब ये ब्रांड्स है, आप उन्हीं की टीवी है या फिर बाकी अप्लायंस लेना पसंद करोगे, बाकी ब्रांड्स नहीं है क्या? जैसे सैमसंग, और उसी के साथ ही साथ बजट ब्रांड में आ जाए टीवी के कैटेगरी में, तो बहुत सारे ब्रांड है, नोकिया, मोटोरोला और सैन्यो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स है जो उनकी प्राइसिंग नहीं बढ़ने वाली अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। तो यहां पर मेरा एक ओपिनियन होगा, यहां पर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केटिंग करने के लिए भी लोग बोलते हैं ना अपने प्रोडक्ट की ये न्यूज ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कोई भी इंटरनेशनल कोई भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पे एक इंडियन कस्टमर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आपके पैसे बर्बाद ना हो और आप कोई घाई में आके डिसीजन मत लीजिए। अगर ये जो ब्रांड्स की टीवी की प्राइसिंग बढ़ रही है तो हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, और जो मेरा ओपिनियन होगा कि आप सैमसंग, सैन्यो, नोकिया, मोटोरोला और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी टीवी ले लीजिए अगर ये सब LG वगैरह का आपको प्राइसिंग ज़्यादा लग रहा है। और फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में मैंने रिकमेंडेड टीवीज की लिंक्स डाली हुई है जो आप परचेस कर सकते हो, उसमें से LG वगैरह भी है, लेकिन अगर आपको लगे कि उसकी प्राइसिंग ज़्यादा लग रही तो वो टीवी मत लीजिए, उसके जगह ऑल्टरनेट ऑप्शन सैमसंग का है जो आप टीवी चूज कीजिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा आप सभी के लिए। तो इस बात को लेकर हाइप और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हो टीवी लेने के लिए तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के लिए सब जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं हर कैटेगरी में 32 इंच, 43, 55, 50, सभी 65, सभी की लिंक्स डाल दीजिए, वहां से आप जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल, सुझाव है, कोई भी राय हो इस वीडियो को लेकर जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो कोई भी ढंग से हेल्पफुल मिली है, कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बस एक लाइक ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।